ठेकेदार से और आपसे ये बात रिटर्न में लेना चाहते हैं जब हमारा पेटा भरेगा जी, अदरवाइज रिटर्न में अगर मेरी जुबान की कीमत नहीं तो बात यार कर, चार दिन तो जी मैं एक पास नहीं यार, एक वीडियो का माध्यम है, चलो या भी सोमवार का टाइम है, दे रहे हैं सोमवार का टाइम, सोमवार तो काम शुरू हो जाएगा, काम स्टार्ट, चलो भाई। संदीप ठेकेदार का नाम बता दीजिए। रणधीर सिंह मेरा नाम है, पुठी मेरा गाँव है, जिला मेरा हिसार है, तहसील आसी है। तो मैं अपने लड़का की तरफ से, ठेकेदार की तरफ से कह रहा हूँ, अगर जो कोई रोड जितना भी खराब है, चाहे 1 किलोमीटर का हो, चाहे 2 किलोमीटर का हो, चाहे 10 कदम का हो, सारा हो जितना भी खराब होगा उसी पड़वा के दोबारा बना देंगे। कितना टाइम में आप ये हमको रिटर्न में लिख के दे दो, ठीक है, SDO साहब आ रहे हैं, जेई साहब आ रहे हैं, इनके साइन करा दो, हम संतुष्ट हो जाएंगे आपकी बात। आप जितना भी ये रोड खराब है, इसी मैं ठेकेदार से बात करके बता दूंगा, लेबर में लगी कई दिनों में तैयार हो जाएगा, कोई बात नहीं, तैयार के हिसाब से हम बता दे, तैयार करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कितना भी खराब हो, जितना खराब होगा नहीं, जितना ही खराब होगा उतना ही दोबारा बनाया जाएगा, पूरा रोड दोबारा। हाँ, चाहे सारा, अरे भाई नू कहने से रोड नहीं बनता, नू कहने से नहीं बनता, जितना खराब होगा ने, अगर एक अंगली कटी पट्टी वही होगी, सारा हाथ का थोड़ी होगी, उसको नू कह भाई मेरी एक अंगली कटकी पूरा हाथ का पट्टी करते, वो जितना खराब होगा उतना ही रोड दोबारा बन जाएगा, और उसका बनवाने के लिए जवाबदारी मेरी है। ठीक है बात, और बताओ, और हमारी कोई आपसे दुश्मनी नहीं है, ना कोई आपके बेटे दुश्मनी, तो हमारी मेरी बात है, आप हमारे मुख्य अतिथि हो, हमारे गाँव हमारे मेहमान हो, प्यार प्रेम मैं कह रहा हूँ आपके लिए, इसमें सीधा सीधा सा दिख रहा है, ये बिल्कुल कह दिया ने, कितना मतलब आपने बिल्कुल कलियर बात कह दी, ठीक है, स्पष्ट कह दी, मैंने कोई ठेकेदार से पक्ष नहीं, कोई गांव वाले से बैर नहीं है, सबसे मैंने अपना हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर दोबारा माफी मांगते हैं, जो भी काम होगा वो मैं जितना इस रोड का है वो करवा देंगे, जो भी जहाँ से भी खराबी होगी, लेकिन कौन कहेगा ना कहने अकबर वहाँ से पड़वा के वहाँ तक मंगवाना, या जहाँ तक पाड़ा जाएगा, जहाँ तक इसका नीचे रेत में लगा मिट्टी में लगे वहाँ तक सफाई करा के, ये 2 फुट की चुड़ाई हो, 3 फुट की हो, चाहे सारा हो, जितना भी इसका नीचे रेत लकड़ेगा उतने सफाई कराएगा, दोबारा इसको पड़ताल को रोड गिरवा जाएगा, जिस टाइम काम चल रहा हो उस टाइम हमको संदेशा देना जी, हमारा 1 या 2 बंदा यहाँ पर काम चल रहा हो उस टाइम रहूंगे, निगरानी कमेटी बनेगी जी, जहाँ से वो बोला जहाँ कमी दिखेगी वहाँ से बनाना पड़ेगा। ये निगरानी कमेटी वाली बात रही हम बता देंगे, लेकिन जो सरकार का कानून है ने उसका मुताबिक माल पड़ेगा, अगर कमेटी नु का के मारा मुताबिक माल हो उसका मुताबिक माल नहीं पड़ेगा, जो कानून के हिसाब से माल पड़ेगा, अंकल जी 20 mm का रोड का जो मटेरियल है ना वो तो लगा हुआ है आप, काम सारा कानून के हिसाब से, लेकिन उस काम में ईमानदारी होनी चाहिए, हां ईमानदारी तो इतना के सामने चला गया, ईमानदारी तो है उस भाई ने जो कल कहा के तार को काम का हिसाब तो पहले भी सरकार का हिसाब तो माल पड़ेगा, पहली बात छोड़ दे यार, पहले मैंने जो कहा ना कानून का हिसाब तो पड़ेगा, कानून का हिसाब तो पहले ही पड़ रहा है, भाई इसका जो नया काम चल रहा हो जिस टाइम एक काम को बुला लियो, अरे वहाँ से कम से कम ज्यादा लेंगे। SDO साहब सिर्फ यही बात है जी, ठेकेदार के पिताजी है, एक बाप होगा ना तो जो बात होया करे कि अगर उसने कोई गलत बोला उसकी माफी मांगा, इनने एक बात भी कही है 1 मिनट जी कि भाई जड़े तो रोड बैठ रही, यानी जड़े तो खराब है, उसने हम दोबारा बनवाओगे, तो आपके आश्वासन सोमवार से हम इसका दोबारा, जहाँ से इनको लगता है कि गलत बन रहा है, एक हम खुद खड़े हो, खुद खड़े होकर के और इसको दोबारा बनवाने की कोशिश। एक गांव की तरफ से ये निवेदन आया, जो आगे अभी रिपेयर होगा, जो भी आप इसका सोल्यूशन निकालोगे, आदमी आदमी पांच आदमी की गांव की निगरानी कमेटी बनेगी, कोई काम आ जाएंगे बिल्कुल। सिर्फ एक सवाल SDO साहब, मतलब क्यों इतना भ्रष्टाचार होगा, हाथ गला अपना रोड ही दिखावा एक बार, आप देख लो न्यू खिंडन लग रही, ईसा क्यों हो के रोड बनते 15 दिन में खिंडन, 15 दिन तो खिंडना नहीं चाहिए, नहीं खिड़ना चाहिए। वो ये भी बात कर रहे थे कि SDO साहब भी आलिए सारे देख कर जाए बोला किसी नगर बन लगी रोड ओके, और आज आप खुद मना करोगे रोड ओके नहीं है, नहीं मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि तो नहीं पास कैसे तो, गया पास किसने कर दिया यार, कौन है बिल नहीं हुआ पास, अच्छा कुछ भी नहीं हुआ। तो हमारी रिक्वेस्ट है, कमेटी युवा साथी सभी खड़े हुए हैं, एक हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, ठेकेदार के पिताजी ने कह दिया कि जो भी इसके अंदर कमियां हैं उन खामियों को मैं पूरी करवाऊंगा, अब हम ठेकेदार से और आपसे
ये बात रिटर्न में लेना चाहते हैं जब हमारा पेटा भरेगा जी, अदरवाइज रिटर्न में अगर मेरी जुबान की कीमत नहीं तो बात यार अगर चार दिन तो जी मैं एक पास नहीं यार वीडियो का माध्यम है। चलो अभी सोमवार का टाइम है, तेरे सोमवार का टाइम, सोमवार का काम शुरू हो जाएगा, काम स्टार्ट। चलो भाई नाम जी आपका? रण सिंह। रण सिंह एसडीओ साहब है, जिनने एक बात कही है बिल्कुल वीडियो में सामने कोई पूरा गांव राम खड़ा है, एक बार पीछे चल भाई, उन्होंने यह बात कही है एक मिनट कि सोमवार का काम शुरू हो जाएगा, गांव वाले रिटर्न में मांगे थे, एसडीओ साहब ने एक बात कही है, रण सिंह जी इनका नाम है, कि भाई अगर जबान की कीमत नहीं है तो लिखने तो कुछ नहीं होगा, यानी वीडियो में यह चीज साबित है कि सोमवार तक काम शुरू हो जाएगा। ठेकेदार के पिताजी हैं जो रणधीर सिंह गांव पुट्ठी, उनने एक बात कही है कि जड़े भी रोड में कमी है, पूरा ब्याना खेड़े से लेकर खेड़ी तक सारा का सारा रोड जड़े भी कमी दिखेगी दोबारा बनाया जाओगा। वो भाई साथ अनूप भाई ठेकेदार के पिताजी ने माफी मांगी है कि अगर उसने गलत शब्द कोई आरोप लगा उस पाप की प्रतिक्रिया, आरोप तो उसने माफी मांग ली, मेरा बाप की उम्र का उसकी, चलो हमने माफ भी कर दी, जो ये ठीक रोड वाला हिस्से में समझौता नहीं कर सकते इसका, तो जब ये काम होगा वो तो साहब ने सोमवार तक कह दिया शुरू, वो ठीक है सोमवार तक काम चलो हो जाएगा, हमें कोई परेशानी नहीं, और हम हमारी कार्रवाई जारी रखेंगे, अगर काम चलू नहीं होया, काम चलू हो गया उस दिन जो हम कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी आरटीआई लगाऊ सी विंडो हाईकोर्ट में केस करा, वो सब काम चलू होते ही वापस ले लेंगे, वो बाकी हमारे जो होल्ड कर दी सोमवार तक, हाँ होल्ड कर दी मतलब कि कार्रवाई नहीं करा इतना, और वापस कटा लें काम चलो होते लगाए तो रखे हमने, चलो वापस ले लें जी। तो भाई हाँ जी इस पाछो से न्यूना जा तू पाछो से, हाँ जी आ जाओ इस साइड आ जाओ छाया में, एक बात और है, यू तो भाई अनूप ने मुद्दा उठा दिया तो गांव गल्ला लग गया, बनूप नहीं ठावर तो इसका मतलब वो गांव तो मैं लेनी थी भाई कि मैं बनाया, अगर शुरुआत तो एक के आदमी करे और कोई करे कारवा बनता चल लगा, और एक मैं एसडीओ साहब ने कहूं था माजी पीडब्ल्यू डी की गाइडलाइन है जो टेबल नंबर 402 अग्रेडिंग 1 में न्यू लिख रखा है, मिट्टी तो बिल्कुल भी नहीं मिलानी, प्योर स्टोन के ऊपर बजरी डलेगी, इन अपनी आंखें देख लिया। ठेकेदार के पिताजी ने एक बात भी कही है कि जड़ा रोड के नीचे मिट्टी है सारा पड़ा जाऊंगा, मिट्टी हटाएगा दोबारा बनाया जाऊंगा, फिर हम नहीं उसका संतुष्ट हमें, कल आपने देखी स्कूल की बस्ती चल चल देखता आया हूँ, और फिर न्यू को ठेकेदार बोला रात ने पड़ा है यू तो बोला चोरी करा है, ये महाराज जू दुख उठा भाई उसका बाबू दी जैन दगा लिया है बजन तो जावा ना मुश्किल हो जाएगी, अरे शुरुआत में बरसे है ये तो पहला में पैड़ दिया यू, और सबसे ज्यादा आपका धन्यवाद है आपने इतनी आवाज उठाई हमारे भाई, देखो बहुत बहुत धन्यवाद नहीं भाई, हमें हमारा फर्ज है और जनता की आवाज और सार्वजनिक जो समस्या है अगर उसने हम नहीं उठावांगे तो कौन उठाऊगा, लेकिन बात सिर्फ यह है एक बार थोड़ा पीछे ले सारे दिखा दे थोड़ा पीछे ले, यानी मैन बात के है भाई इन युवा का धन्य पूरा ब्याना खेड़ा गांव का धन्यवाद इसलिए करा, हमें सरेआम भ्रष्टाचार दिखा उस भ्रष्टाचार पे इन उंगली उठाई आवाज उठाई, मारा फर्ज था आवाज ऊपर तक पहुंचाना, ठेकेदार साहब तो बात करी रिकॉर्डिंग सब ने सुन रखी है, सवेरे वीडियो डाली है जो मंत्री हैं एमएलए हैं विधायक है उकलाणा है अनूप धानक जी जिनका हल्का मयू ब्याना खेड़ा गांव भी आवे उन तभी कलापा ने बात करी, उनने एक बात कही थी कि भाई ठेकेदार की कोई बात सच्ची नहीं है उसके कहने से रोड फाइनल नहीं होता, और आज खुद ठेकेदार के पिताजी ने यह बात कही है रणधीर सिंह गांव पुट्ठी के भाई उसका कहने तो रोड फाइनल नहीं होता, यानी बात यह आएगी कि जिस टाइम आंगली उठ जाए और जिस टाइम वो खोट दिख जाए उस टाइम तो सारे आ जाए उस साइड में कि हाँ इसने गलती कर दी, लेकिन मैं ये कहूँ अगर ये वीडियो नहीं बनती है भाई मुद्दा नहीं उठाते मंत्री जी तो बात नहीं होती तो शायद ना कोई माफ़ी मांगा था ना कोई गलती माना था, यू रोड दोबारा नहीं बना था, और मैं इस जनता से अपील करना चाहूँगा जड़ा भी आपने भ्रष्टाचार दिखा है इकट्ठे होकर भले ही हर आदमी किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है या कोई जरूरी कौन भाई गांव में 5-10 आदमी पार्टी से जो आदमी वोट डाला है जिस पार्टी के वो उस पार्टी से जुड़ा हुआ है, लेकिन कहने का मतलब सिर्फ यू है जड़े भी आपने भ्रष्टाचार दिखा है चाहे उस पार्टी का ये बंदा क्यों ना हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ आपका फर्ज बने कि इंसानियत का नाता आप आवाज़ उठाओ, इन भाइयों ने आवाज़ उठाई एक बार दिखाई भी थे पूरा ब्याना खेड़ा गांव आज रोड पर खड़ा आवाज़ उठाई तो मात्र 21 घंटे में यानी 2:15 करीब 2:49 में मंत्री जी से बात हुई थी, करीब 21 घंटे में कार्रवाई हुई, हालांकि कुछ अधिकारी जो आने चाहिए थे वो नहीं आए, और जो आश्वासन दिया है और मैन बात वही है भाई करनी और कथनी में अंतर है, मामे जब मानांगे जब सोमवार ने उर 10 बजे आवांगे पूरे सोमवार ने 10 बजे उर आवांगे, एसडीओ साहब ने कहा कि लिखित में कोई जरूरी नहीं भाई मेरी जबान ही काफ़ी है, सोमवार ने 10 बजे अगर हमने 10 या 11-12 तक भी ला लो 12 तो आधा दिन आज है, हाँ जी 12 बजे तक अगर काम शुरू हो गया तो हमने एसडीओ साहब की जबान सही थी, 12 बजे तक अगर काम शुरू नहीं होया तो फिर वह कहेंगे सिर्फ ढकोसला घोषणा और झूठा वादा था, एसडीओ साहब तो फिर उस दिन हम फोन पर बात भी करेंगे आपने जबान करी थी, अगर काम नहीं शुरू होया तो या
वीडियो आपने ज़्यादा ज़्यादा शेयर करनी है, और यह जनता की ताकत है, इस जनता की ताकत मानांगे। युवा में जागृति आई तो गलत काम के खिलाफ इन्हें कदम उठाया, और कदम उठाया तो सारे मंत्रियों ने भी यू खोट मानना पड़ा, और मानना पड़ा तो इस कार्रवाई का जो आश्वासन दिया। गाम राम एक बार राज्यों तो हाथ खड़े करके बता दो जो आज आश्वासन दे, मंत्री में भी होगा यू, तुम तो सही करवा देगा काम है, मंत्री ना हबरी थी सही से भी लेकिन कल फोन पे एक बात कही है कि सोनू भाई जो भी दिक्कत रिकॉर्डिंग कोई बात नहीं, फोन कर ये काबिला जो भी दिक्कत है करवावांगे। ठेकेदार का बाबू ने गया बात कह दी, भाई जो गलत बात कही उसकी माफी मांगा हार मान ले, जड़े भी रोड खराब है सारा रोड बनवाऊंगा। एसडीओ साहब ने कहा कि सोमवार तक काम में शुरू कर दे, यानी 6 दिन बाद। ठीक है, नहीं तो ठेकेदार भी सही था, फिर पुठी का मारा तो बोले उनका तो देखो भाई वीडियो शेयर करियो, और आपकी जो राय है, आपकी जो सोच, आपकी जो प्रतिक्रिया, वो हमेशा की तरह आपने एक सभ्य कमेंट के माध्यम से देनी है। और दोबारा भाई हम तो फिर चलो मंत्री जी अनूप जी उनका बात हुई थी, उन्होंने कहा भी था कि भाई भेजांगे, चलो उन्होंने भेज दिए, लेकिन बात एक क्या हुआ, या बात कल भी कही थी, बात सच्ची है, थोड़ी कड़वी है, आज भी कहा हाँ धन्यवाद उस दिन करांगे जिस दिन इस रोड का जो करप्ट सिस्टम है नहीं यू खत्म होगा, एक ओरिजिनल रोड बन जाएगा, और उस टाइम भी पहलवान न लावांगे भाई पैट के देख लेते इस पर नहीं पैटा नहीं, उदन कहवाएं धन्यवाद ठेकेदार का भी और धन्यवाद मंत्री जी का भी। चलो भाई सबका धन्यवाद, तो भाई वीडियो शेयर करिए और अपनी सोच विचार आप जरूर दियो। जय जवान जय किसान, सबका साथ दिए।